बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक वीडियो क्लिप है जी, एक गैर मुल्की का परदेसी का। मैं यकीन करें कल मैंने ये देखा, एक भाई ने मुझे टैग किया हुआ था और आज मैंने ये ट्विटर के ऊपर भी देख लिया। मैंने बोला आपके साथ भी शेयर कर देता हूँ ये क्लिप, आप यकीनी बात है हंसने पर मजबूर हो जाएंगे। अच्छा, आपको बताया कि साइकिल चौक जो है यहाँ पर बवादी में जद्दा में वहाँ पर, अच्छा ये तो किससे चलो पुराने हो गए ना, लेकिन वहाँ पर भी मेरे बहुत से ऐसे पते थे जिनको नवाफल पढ़ाए जाते थे कि यहाँ पर नफल पढ़ लो, ये बाबा आदम का साइकिल है और दो नफल यहाँ पर पढ़ने चाहिए, इसका सवाब है जी फलां ढमकान जो भी है। अच्छा, कुछ वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर आपने ऐसी भी देखी होगी, बंदे वहाँ पर नवाफल पढ़ते हैं। तो बहरहाल जी, ये जो क्लिप है पहले मैं आपको थोड़ा सुना दूँ यहाँ पर, फिर आपको दिखा भी देता हूँ, आप सुना भी देता हूँ। अच्छा, मैं यार ऐसे आपको साथ में दिखा कर सुनाता हूँ, फिर मज़ा आएगा, ऐसे कोई मज़ा नहीं है। तो आप वीडियो क्लिप देख लें, फिर ही आपके इसके मतलब बात कर लेते हैं, सुन लें। ये देख, ये जाली लगा है ना, इसमें बोल 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 बोल, करीब जाके बोल उसको, बोल आना मुझे मालिक, मुझे सॉरी सॉरी। अस्सलामुअलैकुम मुझे मालिक, आना मिस्किन गिरामा माफी, आना मिस्किन। ठीक है जी, करीब आपने सुन लिया है, यानी कहना मस्किन घरामा माफ़ी बस किसी। अच्छा, ये न्यू बंदा है और मुझे इसकी जो ज़ुबान है उससे लग रहा है या तो ये बंगाली है या यूपी वगैरह का बंदा है। अच्छा, हुआ कुछ क्या है जी, कि ये इसको किसी ने बता दिया होगा कि ये जो कैमरे के सामने से तो गुजरा है, अभी तेरे को इसका जुर्माना होगा, तो तू ऐसे कर कि तू इस कैमरे के अंदर आ, ये जाली लगी हुई है ना यहाँ पर, बोल बोल रहा है ना मस्किन घरामा माफ़ी, अना अल्फ रियाल सैलरी, मेरी 1000 रियाल सैलरी है, मुझे जुर्माना मत कीजिएगा। तो सिंपल सीधी सी वीडियो है, मुझे नहीं लगता है इसके ऊपर कोई भी किसी किस्म की गैर कानूनी हरकत की गई है, कि मजाक किया गया है एक दूसरे के साथ, कैमरे के साथ अगर छेड़खानी की जाती तो फिर वाकई ही इसके ऊपर कोई ना कोई किसी किस्म का आपको यानी किसी बंदे को पकड़ वगैरह की जा सकती है इसकी, लेकिन ऐसा मामला नहीं है कि इंटरटेनमेंट के लिए वीडियो बनाएगी। आपकी इसके मतलब क्या राय है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।